अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से ठीक ठाक हैं। व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूँ शाहराह फैसल के ऊपर और मेरे सामने आप देख सकते हैं ये जोल्टा इलेक्ट्रॉनिक का एक शोरूम है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक्स अवेलेबल है भाई सारी। तो मैंने कहा चले आप लोगों को यहाँ का विज़िट भी करवाते हैं, यहाँ का एड्रेस भी समझाते हैं। मेन शाहराह फैसल है, नर्सरी स्टॉप है ये। ये देखें, मेन शाहराह फैसल है, नर्सरी के स्टॉप पर आप KFC आएँगे, KFC के जस्ट बिल्कुल बराबर में ये शोरूम मौजूद है जोल्टा इलेक्ट्रिक के नाम से। और इनके पास तमाम इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स मौजूद हैं जो कि बिजली से चार्ज होती हैं और पेट्रोल का उसमें कोई काम नहीं है, ना ही इंजन की टेंशन, ना ही ट्यूनिंग की टेंशन, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। तो चले अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कितने CC's यहाँ पे मौजूद हैं। स्कूटीज़ भी मौजूद हैं लेडीज़ के लिए यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, और 125 भी मौजूद हैं और हैवी बैग्स भी मौजूद हैं। तो अंदर चलते हैं, विज़िट करते हैं शोरूम का, मिलवाते हैं यहाँ पे साहब से, वजाह साहब से आपको, और कंप्लीट आपको रिव्यू देते हैं। सर, इस वक्त हम जो हैं शाहराह फैसल पे हैं, PCHS ब्लॉक 6 है ये, ऑपोजिट नर्सरी है और एडजेसेंट KFC है। ये शोरूम कौन सा है सर? ये जोल्टा इलेक्ट्रिक पाकिस्तान कराची शोरूम है हमारा। कराची शोरूम, यस। अच्छा, ये लॉन्च आपकी कराची की है, लाहौर की है, कहाँ की? मतलब पाकिस्तान मेड है या चाइना मेड है? ये 100% मेड इन पाकिस्तान है। मेड इन पाकिस्तान है, ओके। तो काफ़ी मतलब चेंज लेके आए आप लोग, मतलब पेट्रोल बाइक्स लोग चला रहे हैं इस वक्त और अब जो इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ आ रहे हैं हम लोग, और इंशाल्लाह गाड़ियों में भी आ रहे हैं इलेक्ट्रिक की तरफ। जी इंशाल्लाह। थोड़ा सा मुझे डिटेल बताया कि आपके पास कौन कौन से मॉडल्स मौजूद हैं और इनकी और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दें हमारे व्यूअर्स। सर देखिए, हमारे पास इस वक्त जो वेरियंट है वो JE70 है, वो ड्राई जेल के अंदर है, वो तकरीबन 4 घंटे के अंदर जो है चार्ज होती है और मैक्स जो जाती है वो 80 किलोमीटर जाती है, और ये टोटल 1.5 यूनिट जो है वो के इलेक्ट्रिक का जो है वो कंज्यूम करती है। अच्छा, ठीक है। एक तो ये, इसके अलावा हमारे पास लिथियम है इसमें, उसकी प्राइस 1,19,000 है और उसकी स्मार्ट चार्जिंग है, मिनिमम और मैक्सिमम 2 और 3 आवर्स है उसकी, वो मोर देन 100 जो है उसकी कैपेसिटी है रनिंग करने की। और इसमें हमारे पास एक स्पेशल एडिशन है, वो भी ड्राई जेल में है और उसमें थोड़ी जो है वो हमने थ्रॉटल की और क्लस्टर की जो है वो हमने सेम सिंगल कर दी है, और इसका बैटरी बॉक्स जो है उसको मज़ीद जो है वो अच्छा कर दिया, खूबसूरत कर दिया मज़ीद। तो ये है टेक्निकल वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स को, सिंपल बिल्कुल लैंग्वेज में बताया कि ये क्या चीज़ है, ये जो आप टेक्निकल वर्डिंग। सर ये हमारा जो बेसिक वेरियंट है उसमें जो एक्सीलेटर होता है उधर एक चाबी है, वो बैटरी की चाबी है। इसके अलावा जो इसका मीटर है, जो इंडिकेटर्स हॉर्न और हेडलाइट के लिए है, ये जो हमारा बेसिक वेरिएंट है, इसमें दो कीज़ हैं, एक एक्सेलेटर की है और एक दूसरी जो है वो मीटर की है। अच्छा, इसमें जो हमारा जो स्पेशल एडिशन है उसमें सिर्फ एक चाबी है, वो मीटर में लगती है बस, फिर आपकी बाइक ऑन हो जाती है। हेजल फ्री हमने वो करी है ताकि कस्टमर कह रहे थे कि हमें सिंगल की चाहिए, तो एज़ पर कस्टमर डिमांड हमने सिंगल की कर दी है। इस वक्त हमारे पास जो है वो 70 CC है, हमारे पास 125 है, हमारे पास स्कूटी है और हमारे पास 150 CC है। और इनके प्राइजेस थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताएं। इसमें 70 के जो प्राइस हैं, जो बेसिक वेरिएंट है वो 82,500 का है, और जो स्पेशल एडिशन है वो भी ड्राई जेल में है, वो 86,500 का है, और 70 में जो लिथियम वेरिएंट है वो 1,19,000 रुपये का है। अच्छा, आप 125 पे आ जाते हैं, 125 जो हमारा है वो 1,67,500 का है, और जो हमारी हैवी बाइक है 150, उसके पैसे हैं 2,10,000 रुपये। और स्कूटी जो हमारे पास है, दो स्कूटीज़ हैं हमारे पास, एक निंजा स्टाइल में है और जो मैन और वुमेन दोनों को कवर करती है, वो उसके प्राइस हैं 1,05,000। और इसी तरीके से हमारे पास प्योर लेडीज़ स्कूटी है, उसके प्राइस भी 1,05,000 है। इसकी मेंटेनेंस क्या है सर? मेंटेनेंस के हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिए। सर ये 100% मेंटेनेंस फ्री बाइक है। ठीक है। इसकी मोटर जो है उसकी वारंटी 6 मंथ्स है और इसकी बैटरी की वारंटी 3 मंथ्स है। अच्छा, बैटरी ड्राई लगी हुई है इसमें? जी बिल्कुल। ओके, और जो अगर मोटर में जो वाइंडिंग वगैरह होती है वो कॉपर के ऊपर है? जी 100% कॉपर है वो। और वो मतलब रिपेयर हो जाती है मोटर्स वगैरह यहाँ में? मतलब बिल्कुल, ये देखिए सर, इसमें जितने भी इसके जो पार्ट्स हैं वो हमारा जो हेड ऑफिस है लाहौर के अंदर, उसके अंदर मेक होते हैं। ठीक है। 100% ये यहीं हमारी फैक्ट्री के अंदर बनते हैं और इसको हम प्रोवाइड करते हैं।
तो मतलब जैसे अगर हम कहीं रास्ते में फंस गए हैं, क्योंकि 70 में तो आजकल जो पेट्रोल बाइक चला रहे हैं उनकी तो ये सहूलत होती है, जगह जगह मैकेनिक बैठे हैं। सही बात, कहीं से भी आपने रिपेयर करवा लो। सही बात, लेकिन इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है मोटर की या किसी चीज़ की? सर देखें, इनिशियल फेज़ के अंदर अभी, क्योंकि ये इनिशियल फेज़ है, तो हम अभी आफ्टर सेल सर्विस जो है एट योर डोर स्टेप भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और सेकेंडली ये कि ऑन कॉल हम कंप्लेन ले रहे हैं, और जो एंड यूज़र है उसका हम जो भी किसी तरीके की भी उसकी ग्रीवेंसेज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक हो गया। चार्जिंग के हवाले से बताएं कि ऐसे आपको पता है कराची शहर में कितना ट्रैफिक होता है। जी भाई, अब मैंने घर से चार्ज करके निकला हूँ, मुझे जाना है जी क्लिफ्टन साइड पे। जी, रास्ते में होगी चार्जिंग ख़त्म ट्रैफिक की वजह से, तो उस सूरत में कोई बैकअप है इसका? सर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, पेट्रोल इंजन होता है वो सिग्नल पे या कहीं ट्रैफिक जैम में, वो आपका इंजन जो है वो रनिंग में रहता है, आप बेशक ये कि आप रेस्ट मोड पे क्यों ना हो। इसमें ऐसा सिलसिला कोई नहीं है, इसमें आपकी बाइक रुक गई तो आपकी बैटरी की जो कंज्यूमिंग है वो ज़ीरो हो जाएगी। आप जब चलेंगे, आप इसको थ्रॉटल देंगे, इसको रेस देंगे, तो ये चलना शुरू होगी, वरना ये रेस्ट मोड पे आ जाती है, ये ऑफ हो जाती है, ये इसकी बैटरी पावर इस्तेमाल नहीं होगी जहाँ आप रुक गए। ज़बरदस्त हो गया सर ये तो। अच्छा, स्टेशन कोई अवेलेबल है कराची के अंदर? देखिए, अभी जो फर्स्ट स्टेशन कराची के अंदर इंस्टॉल्ड हुआ है वो हुआ है अस्करी 4 गुलिस्तान जौहर। ठीक है, शेल पंप, शेल के पंप पे। बिल्कुल। उसकी चार्जिंग की कॉस्टिंग क्या ले रहे हैं, उनको आइडिया है? अभी इनिशियली जो है वो हमने इनको प्रपोजल दिया है, अभी तक उनकी तरफ से डिसीजन नहीं आया है, पर ये कि इट विल बी फाइनल इन अ वीक और आफ्टर 2 वीक। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सर, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतनी ज़्यादा कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या लीजिंग का भी कोई सिलसिला है? नहीं सर, अभी फ़िलहाल जो है वो अभी इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, पर सूनर और लेटर वी विल बी वर्किंग ऑन दिस। अच्छा, तो चले सर, मुझे ज़रा मॉडल्स का भी आप थोड़ा सा विजिट करवाएं और थोड़ा सा दिखाएं कि आपके पास कौन कौन से वेरिएंट मौजूद हैं। सर ये बेसिक वेरिएंट है 70 का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल इनिशियल है, जिसके अंदर दो चाबियां लगी हुई हैं मीटर के अंदर और एक्सेलेटर के अंदर, और ये कि ये बिल्कुल हमारा बेसिक वेरियंट है। ठीक हो गया। इसमें ये टायर्स वगैरह ट्यूबलेस हैं या नॉर्मल जो कन्वेंशनल बाइक्स के हैं वही वाले टायर हैं? अच्छा, और ये बॉडी है फाइबर में? जी, ये बैटरी बॉक्स इसका फाइबर में है। अच्छा, सिर्फ बैटरी बॉक्स फाइबर के अंदर? जी, बैटरी बॉक्स फाइबर में, और ये इसकी 220 की चार्जिंग पोर्ट है। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। और इसका चार्जर वगैरह जो है वो कितने एम्पियर का है? इसका चार्जर 6 एम्पियर का है। अच्छा, और ये कि नॉर्मल 220 पे भी चार्ज होता है वो। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। ये आप मुझे दो कीज़ बता रहे थे? जी बिल्कुल। ठीक हो गया। ये इसकी जो है वो बैटरी की है। ठीक है, ये इधर इंडिकेटर्स हैं बैटरी के, वो इंडिकेट करती है। ठीक हो गया। अभी ये अपने लास्ट बार पे है और ये इसका रिजर्व है। अच्छा, और ये इसका जो है वो इसके इंडिकेटर्स, इसके हॉर्न और इसकी हेडलाइट के लिए। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। सर ये हमारा स्पेशल एडिशन वेरिएंट है। ओके। इसमें हमने बॉक्स चेंज किया है, इसका जो बॉक्स है इसको मजीद इंजीनियर डिज़ाइन किया है ताकि मजीद खूबसूरत लगे, और क्लाइंट्स जो है इस वक्त इसको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, जो कस्टमर्स हैं। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली ये कि पहले टैंक हमारा जो पेट्रोल टैंक था उसके अंदर जो था वो कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था वो, पर इसमें जो है हमने बॉक्सिंग दी है कि आप नॉर्मल जो भी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें होती हैं आप उसको कैरी कर सकें इसके अंदर, मतलब एक तरह से गाड़ी में जो डिग्गी होती है। जी बिल्कुल, उसका हम यूज़ ये आप मिनी लगेज का कंपार्टमेंट कह सकते हैं इसको। अच्छा, ये सिंगल की है? जी, ये सिंगल की है। इसी के अंदर जो है वो बैटरी की हेल्थ है, है। ये देख सकते हैं इसके अंदर बैटरी की हेल्थ है। ये इसके पावर, ये इको मोड है, ये इसका मीडियम मोड है, इसका पावर मोड है। ठीक है, ठीक है। और ये साइड पर इसकी बैटरी हेल्थ आ रही है। अच्छा, ये पॉइंट्स दे रहा है यहाँ पे, दो ग्रीन है और एक रेड है। यस, तो कितने कम से कम कितने पे इसको चार्ज कर लेना चाहिए बाइक को? एटलीस्ट आप 70% जब ये कंज्यूम हो जाए तो यू शुड चार्ज। अच्छा, 70-80% ये कंज्यूम हो जाए तो आप इसको चार्ज करें। मतलब ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आप जाके नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, वो तो बिल्कुल रिजर्व आ जाता है, पर ये है कि फॉर बेटर परफॉर्मेंस आपको बैटरी डिस्चार्ज करना भी ज़रूरी है, और प्लग एंड प्ले का हिसाब ये है कि एटलीस्ट आप 70-80% इसको डिस्चार्ज करें। अच्छा, ताकि आपकी बैटरी की परफॉर्मेंस अच्छी रहे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके पार्ट्स वगैरह जो हैं वो नॉर्मली मिल जाएंगे मार्केट? बिल्कुल, इसकी आफ्टर सेल्स जो है सिवाय बैटरी और मोटर के, इसमें जितनी चीज़ें लगी हुई हैं वो आफ्टर मार्केट हैं, वो अवेलेबल हैं बहुत इजीली। जी सर, ये है 125? जी सर, ये हमारा 125 वेरियंट है। ये लिथियम बैटरी में, और ये कि इसकी जो रनिंग किलोमीटर्स हैं ये 3 घंटे में चार्ज होती है, और ये 150 किलोमीटर्स रनिंग करती है टोटल। अच्छा, मतलब आप लोगों ने इंजन की टेंशन ख़त्म कर दी, ट्यूनिंग की टेंशन ख़त्म कर दी, जो पीछे वो चेन वगैरह स्पॉक? जी बिल्कुल, 100% ये पॉल्यूशन फ्री बाइक है और साउंडलेस बाइक है ये। अच्छा, ये देखिए जी, कोई स्पॉकेट नहीं है, कोई चेन नहीं है इसमें, और बिल्कुल
बिल्कुल आप टेंशन फ्री होके चलाएं इसको, ज़बरदस्त हो गया। इसमें भी ये एक ही की यूज़ हो रही है? जी नहीं, इसमें दो की यूज़ होती है। अच्छा, ये इसकी की है, ये इसके एक्सेलेटर की। अच्छा, ये डिजिटल मीटर लगा हुआ है? जी बिल्कुल, इसमें डिजिटल। ये रिमेनिंग बताता है कि आपके पास रिमेनिंग कितना पावर रह गया। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। और ये इसकी दूसरी की है यहाँ से? जी बिल्कुल, ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। और एक दफ़ा चार्जिंग के ऊपर कितनी ये 150 किलोमीटर रनिंग करती है? टोटल 150 किलोमीटर रनिंग करती है चार्ज करने के एक बार? बिल्कुल 100%। क्योंकि मुझे बहुत से लोग कह रहे थे कि जी 25 किलोमीटर या 30 नहीं, वो देखिए माइल्स पर आवर हो सकता है, किलोमीटर्स पर आवर नहीं हो सकता। अच्छा जी बिल्कुल, लिथियम बैटरी क्या है सर? ये 150 जो है, ये 125 जो है, ये 1,67,500 की है। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया सर। ये हैवी बाइक है, ये 150 है बेसिकली। अच्छा, 150 है ये? 150 है, और ये लिथियम के अंदर है। ठीक है जी, और ये लिथियम के अंदर है, और इसकी जो मैक्स स्पीड है वो 100 है। अच्छा ठीक है, 100 इसकी मैक्स स्पीड है। और इसका भी चार्जिंग फिनोमेना सेम है जैसे 125 का है, 3 आवर्स चार्ज होती है ये। और ये क्योंकि इसकी मोटर कैपेसिटी थोड़ी सी लार्ज है तो ये 100 से 110 किलोमीटर रन करती है टोटल। अच्छा, और ये बहुत खूबसूरत लग रही है देखने में भी, बहुत प्यारा लुक दे रही है। इसकी कॉस्टिंग सर मुझे बताइएगा? 2,10,000, 2,10,000 रुपये। 2,10,000? जी बिल्कुल जी सर। ये स्कूटी के हवाले से थोड़ा सा गाइड सर, ये स्कूटी जो है सर, ये लेडीज़ स्कूटी है। आप इसका कलर देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत इसका बेबी पिंक कलर है। और ये भी उसी तरह से सारी डिटेल इसकी वही है जी, इस आपके अंदर बताएंगे। इसमें इमोबिलाइजर की है। ओके, इसमें DFS अलार्म है। ठीक है, इसमें रिवर्स मोड भी है। अच्छा, रिवर्स मोड भी है जी? रिवर्स मोड भी है। इसमें टायर ट्यूबलेस है। अच्छा, इसका फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम है। वाओ, और इसकी मैक्स स्पीड जो है वो 65 है। और इसके अंदर जो है वो आपके पास जो है वो बहुत अच्छी कैपेसिटी है, सीट के नीचे भी कैपेसिटी है रखने की सामान, और पीछे बैक में भी आपके कैपेसिटी है। सर ये लॉक दिया हुआ है, इसका की लॉक है। अच्छा, आपने इसको जो है अनलॉक करना है। ये इसकी कैपेसिटी है, अंदर आप जो भी सामान रखना चाहें और सीट के नीचे भी, सीट के नीचे भी इसकी कैपेसिटी दी हुई है। सब जो है वो टोटल की पर है ये। ज़बरदस्त हो गया सर। और इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ रही है सर? 1,05,000। 1,05,000, मतलब लेडीज़ के लिए बेस्ट है जी? बिल्कुल, ज़बरदस्त हो गया सर। ये आई थिंक जेंट्स भी और लेडीज़ दोनों चला सकते हैं। बिल्कुल, ये होमो है, ये मैन वुमेन दोनों चला सकते हैं। इसकी उसकी और इसकी स्पेसिफिकेशन सेम है बिल्कुल। अच्छा ठीक हो गया। इसको हम जो है वो निंजा कहते हैं। अच्छा, निंजा कहते हैं जी। ये निंजा की शेप है। और इसकी कॉस्टिंग बता दें सर? ये सेम कॉस्टिंग है, ये भी 1,05,000 की है। अच्छा, ये भी 1,05,000। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपका ये जो शोरूम है इसकी टाइमिंग्स क्या है? इसकी टाइमिंग है 9 to 6, 9 AM to 6 PM। 6 PM और ऑफ किस दिन हो रहा है सर आपका? सर हमारा अभी फिलहाल जो लॉकडाउन में ऑफ हो रहा है फ्राइडे, और नॉर्मली संडे हमारा ऑफ होता है। संडे ऑफ जी, मतलब अगर लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो फ्राइडे आपका ऑन होगा? 100%। ठीक हो गया। तो एक बताओ हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा लोकेशन दोबारा गाइड कर दें। देखिए, आप जब एयरपोर्ट से आते हैं तो जो हमारा शोरूम है वो टूवर्ड्स पड़ता है सदर की तरफ, जो लोकेशन होती है आपकी, जो डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये इधर शारे फैसल पे KFC ब्लॉक 6 का, PCHS ब्लॉक 6 का मशहूर KFC है। बिल्कुल KFC से एडजेसेंट हमारा शोरूम है, बोर्ड लगा हुआ है जोल्टा इलेक्ट्रिक का। बहुत इजी और बहुत एक्सेस लोकेशन है कि कट पे सबसे पहले हमारा ऑफिस आएगा, उसके बाद फिर जो है वो KFC है। ज़बरदस्त हो गया। तो माशाल्लाह सर, मुझे तो बहुत पसंद आई आपकी ये काविश, क्योंकि जाहिर से पता है पोल्यूशन फ्री है। बिल्कुल चीज़ें हैं, बिल्कुल जरूरत भी थी पाकिस्तान में। बिल्कुल 100%। चीज़ की तो आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। चलिए सर, थैंक यू सो मच। ज़्यादा करना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात। जी जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम। कोई प्रोग्राम है आपको? जी बिल्कुल, गाड़ियों पे अभी अंडर प्रोसेस है, वर्किंग चल रही है। अच्छा, सुनो और लेटर वी विल अनाउंस, मे बी इन जनवरी और फरवरी। ज़बरदस्त हो गया सर। उसमें कितने वेरियंट लेके आ रहे हैं सर? अभी इट्स कैन नॉट रिवील राइट नाउ, बट वी विल सून इंशाल्लाह। ओके।